भट्टी थाने में घरेलू नौकरानी द्वारा बुजुर्ग मालिक पर दुष्कर्म करने का मामला दर्ज कराया गया है। वहीं बुजुर्ग ने नौकरानी पर झूठे दुष्कर्म के आरोप में फंसाने के नाम पर 5 लाख रुपए उगाही करने का प्रयास मामला दर्ज कराया है। पुलिस ने दोनों पक्षों की रिपोर्ट पर मामला दर्ज कर विवेचना में ले लिया है। भट्टी थाने में एक घरेलू नौकरानी ने भिलाई इस्पात संयंत्र से सेवानिवृत्त एक बुजुर्ग पर वर्ष 2019 से 2021 के मध्य जबरन शारीरिक संबंध बनाने का मामला दर्ज कराया है। महिला की रिपोर्ट पर पुलिस द्वारा रिटायर्ड DSP कर्मी के खिलाफ विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज कर लिया गया है। वहीं सेवानिवृत्त भिलाई इस्पात संयंत्र कर्मी ने नौकरानी पर आरोप लगाया है कि उसके द्वारा 5 लाख रुपए की मांग की गई थी एवं धमकाया गया था कि पैसा नहीं देने पर उसे दुष्कर्म के झूठे आरोप में फंसा देगी। पुलिस ने पूर्व DSP कर्मी की रिपोर्ट पर नौकरानी के खिलाफ अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया है। पूरे मामले की जानकारी भट्टी थाना प्रभारी के कुशवाहा ने दी। ये जो है सेक्टर 1 निवासी व्यक्ति जो है रायपुर सिविल लाइन थाने में 2 महिलाओं के खिलाफ जो है 384 और 34 का IPC अपराध जीरो में पंजीबद्ध कराया था। जो रायपुर से हमारे थाने को प्राप्त होने पर उन महिलाओं के खिलाफ अपराध धारा का पंजीबद्ध किया गया है और महिला जो आरोपी के घर में जो काम करती थी लगभग एक साल पहले वो काम छोड़ चुकी है। उस महिला के द्वारा ये आरोप लगाया गया कि उस आरोपी के द्वारा जो है मेरे शारीरिक शोषण किया है, जिस पर से महिला की रिपोर्ट पे भी उक्त आरोपी के खिलाफ जो है अपराध कायम कर विवेचना की जा रही है और अभी उनकी गिरफ्तारी नहीं हुई है। मामले की जाँच कर उनकी गिरफ्तारी की जाएगी। बहरहाल पुलिस ने दोनों पक्षों की रिपोर्ट पर मामला दर्ज कर विवेचना में लिया है, जांच जारी है। ग्रैंड एशियन न्यूज़ के लिए संजय दुबे।